नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के आवेदन की तारीख बढ़ी। राजधानी पटना की हवा हुई जहरीली। शराबबंदी में जहरीली शराब से मौत होने पर विपक्ष ने की सर्वदलीय बैठक की मांग। जदयू के दोनों नए नवेले विधायकों ने लिया शपथ। हार के बाद राजद को याद आया कांग्रेस का साथ। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के आवेदन की तारीख बढ़ी। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में तीनों सेक्शन के छात्रों को थोड़ी राहत मिली है और आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। इसके तहत अब शैक्षणिक वर्ष 2019-20 और 20-21 के छात्र 15 नवंबर तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि 2021-22 के छात्र 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक तय थी, जिसे छात्रों की सहूलियत के लिए बढ़ा दिया गया है। स्कॉलरशिप के लिए योग्य विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल pmsonline.bih.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत क्लास 11वीं, 12वीं या डिप्लोमा डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुएट स्तर का मेडिकल इंजीनियरिंग प्रबंधन एवं अन्य प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। जदयू के दोनों नए नवेले विधायकों ने लिया शपथ। बिहार विधानसभा उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान से विजयी हुए जदयू प्रत्याशियों ने आज विधानसभा में विधायक के तौर पर शपथ ग्रहण कर लिया है। शपथ ग्रहण समारोह बिहार विधानसभा में आयोजित है, जहां आज 4 बजे समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि मुंगेर के तारापुर और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान के बाद 2 नवंबर को मतगणना हुई थी। इसके बाद तारापुर से जेडीयू के प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह और कुशेश्वर स्थान से अमन भूषण हजारी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद आज शुक्रवार को बिहार विधानसभा में इन दोनों नव निर्वाचित विधायकों के लिए समारोह रखा गया। राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर जारी किया गया अलर्ट। सूबे बिहार में रात का पारा धीरे धीरे गिरता जा रहा है, तो वहीं अहले सुबह भी धुंध की वजह से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक अगले कुछ ही दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट के आसार है। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री तक कम रहने की उम्मीद है। इस बीच आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग के पटना केंद्र से जारी विस्तृत अनुमान में बताया गया है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में यानी कि 5 से 11 नवंबर के बीच कुछ इलाकों में हल्की से बेहद हल्की बारिश भी हो सकती है। इससे ठंड का असर और बढ़ेगा। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री के आसपास बना रहेगा। देश के कई हिस्सों में आज मनाई जा रही है गोवर्धन पूजा। हर साल दिवाली के दूसरे दिन होने वाली देश के कई हिस्सों में गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इसे लेकर आज बिहार के तमाम जिलों में कृष्ण मंदिरों में रौनक दिखी, तो इस त्योहार को हमारे बिहार में अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के पहले दिन ही अन्नकूट होता है। इस दिन 56 भोग बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस दिन गाय की भी पूजा होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के गुस्से से ब्रजवासियों को बचाया था। बता दें कि शाम में पूजा का मुहूर्त 3:22 से आरंभ है, जो कि 5:33 तक रहने वाला है। राजधानी पटना की हवा हुई जहरीली। बिहार की राजधानी पटना में दिवाली पर जमकर पटाखे फूटे, जिसका असर बीते मध्य रात्रि से लेकर सुबह देर तक यहां की आबो हवा में देखने को मिला। वायु प्रदूषण अपने सबसे खराब स्थिति पर पहुंच गया था। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया था, जिसे वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर माना जाता है। इस हवा को जहरीली इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेहतर हवा के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 50 से कम रहना चाहिए। ऐसे में बीते रात पटना की हवा का स्तर 5 गुना तक खराब हो गया था। वायु प्रदूषण का सबसे बुरा हाल राजवंशी नगर और समनपुरा के इलाके में है। उन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया। मीठापुर, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, गुलजारबाग और आशियाना दीघा रोड के आसपास भी AQI 250 के करीब या इससे अधिक तक रहा। बताते चले कि इस हवा में सांस लेने से लोगों को फेफड़े से संबंधित कई गंभीर बीमारियों के हो जाने का खतरा बना रहता है। पटना सिंगरौली एक्सप्रेस को फिर से चलाने की मिली अनुमति। 10 नवंबर से एक बार फिर से सिंगरौली एक्सप्रेस डेहरी के रास्ते चलने वाली है, जो कि राजधानी पटना से रात 10:30 खुलेगी और पुनपुन, तारेगना, जहानाबाद, मखदूमपुर, गया, बेला, रफीगंज, अनुग्रह नारायण रोड होते हुए डेहरी ऑन सोन पर रात 11 बजे पहुंचेगी। यहां 25 मिनट रुकने के बाद यह ट्रेन 11:25 पर सिंगरौली के लिए रवाना होगी, जिसके बाद सिंगरौली से अगले दिन यानी कि 11 नवंबर को 6:30 मिनट पर
शाम को खुलेगी और 1:30 बजे पहुंचेगी। 25 मिनट रुकने के बाद पटना के लिए रवाना होगी। फिर 12 नवंबर को डेहरी की जगह सोननगर के रास्ते ट्रेन को पटना सिंगरौली के रास्ते चलाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला था, जिसकी लोग विरोध पर भी उतर गए थे, लेकिन बाद में लोगों ने अपना विरोध खत्म किया और प्रशासन ने उनकी मांग भी मानी। बिहार में केवल 2 जिलों से मिले नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 2 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 43 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो केवल बेगूसराय और पटना जिले से 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बात रिकवरी रेट की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98.66% है। पटना में अब तक 3 दर्जन छठ घाट नहीं हुए तैयार। छठ पूजा के शुरू होने में अब महज 2 दिन ही बचे हैं, लेकिन अब तक पटना के 38 छठ घाट तैयार नहीं हो सके हैं। छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए वाले दिन से ही हो जाती है। इस दौरान व्रती समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जाते हैं, जिससे भीड़ भाड़ अर्घ्य वाले दिन से पहले ही दिखने लगती है। मगर पटना के डीएम और नगर आयुक्त के आदेश के बावजूद भी जिला प्रशासन और नगर निगम के अफसर अब तक काम पूरा नहीं करवा पाए हैं। पटना के 92 घाटों में अब तक महज 38 पर काम चल रहा है, वहीं अब तक 1 भी खतरनाक घाट की इनमें से सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। इस दौरान डीएम के द्वारा तैयार घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है, तो वहीं जल्द से जल्द बाकी के घाटों को तैयार करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 नवंबर को सभी घाटों का निरीक्षण करेंगे, जिसमें पूरी तरह से तैयार घाट को ही मान्य करार दिया जाएगा। हार के बाद राजद को याद आया कांग्रेस का साथ। बिहार में उपचुनाव की जंग जीतने के लिए महागठबंधन में तकरार हुई, मगर जीत न राजद को मिली और न ही कांग्रेस को। तो वहीं अब हार मिलने के बाद राजद को फिर से कांग्रेस की याद आ रही है और अपने पुराने साथी के प्रति राजद नेताओं के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। इस बीच राजद विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कांग्रेस के साथ पहले जैसा ही अच्छा संबंध रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जनता की मांग को देखते हुए राजद ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस को किनारा करके धर्मनिरपेक्ष ताकतें इकट्ठा नहीं हो सकती है, इसलिए हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस को भी उनका नेतृत्व स्वीकार करना होगा। तो वही राजद नेता के इस बयान के बाद कांग्रेस के भी विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस के साथ आने की संभावना फिलहाल दूर दूर तक नहीं है। शराबबंदी में जहरीली शराब से मौत होने पर विपक्ष ने की सर्वदलीय बैठक की मांग। सूबे बिहार की नीतीश सरकार ने शराबबंदी लागू की हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अवैध शराब की बिक्री ने बीते दिन दिवाली के मौके पर कई परिवारों को उजाड़ दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। बीते 3 दिनों में राज्य के अलग अलग जिलों से दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जान जहरीली शराब पीने की वजह से हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है और इस मामले में एकमत फैसला लेने के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग उठने लगी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने ऑल पार्टी मीटिंग की मांग करते हुए कहा कि जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर बिहार में कोई नियंत्रण नहीं है। सर्वदलीय बैठक बुलाकर बिहार सरकार शराबबंदी कानून की समीक्षा करे, क्योंकि इसकी समीक्षा समय की जरूरत है। तो वहीं इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी इस घटना के सीधे जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया। शराबबंदी के बीच शराब से जान जाने पर जदयू प्रवक्ता ने दी सफाई। बिहार की सत्ताधारी दल में शामिल जदयू की तरफ से भी शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने के बाद सफाई दी गई है। पूर्ण शराबबंदी के 5 सालों के बाद भी बिहार में धड़ल्ले से लिकर मिल रहे हैं। इस घटना पर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने इसकी कड़ी निंदा की है और कहा कि गड़बड़ी करने वाले लोग नीतीश सरकार के द्वारा लागू की गई शराबबंदी को सफल नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप बिहार में भी मुख्यमंत्री ने जैसा बड़ा फैसला लिया है, लेकिन गड़बड़ी करने वाले लोगों की जान से खेलते हैं। लोगों से भी अपील है कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी है और लोग पूर्ण शराबबंदी में सहयोग करें। नशे से ज्यादा अहम लोगों की जान है। जीत और दिवाली का जश्न मनाते नजर आए मुख्यमंत्री। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बीते दिन दिवाली के मौके पर एक साथ 2 खुशियों का जश्न मनाते नजर आए। पहली खुशी विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटों पर जदयू की जीत की थी, तो वहीं दूसरी खुशी दिवाली पर्व की थी, जिसके लिए सीएम के सरकारी आवास को दीयों से जगमगा दिया गया था। इस दौरान एक अणे मार्ग में स्थित उनके सरकारी आवास में वे अपने परिवार के साथ दिए जलाते नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत भी नजर आए। तस्वीरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास में खुद दिए जलाते नजर आए, जबकि उनके भाई समेत परिवार के अन्य सदस्य वहां मौजूद दिखे। बताते चले कि सत्ताधारी जदयू समेत पूरे एनडीए में 2 दिन पहले से ही दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट के बाद से ही जदयू की दिवाली और होली एक साथ मनती दिखी।
वीआईपी के स्थापना दिवस पर मुकेश सहनी ने जताई सीएम बनने की इच्छा। बीते दिन दिवाली के साथ विकासशील इंसान पार्टी ने अपनी स्थापना की तीसरी वर्षगांठ भी मनाया। इस अवसर पर पार्टी के स्थापक और बिहार सरकार में मत्स्य व पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने बड़ी इच्छा जता दी है। अब वे मंत्री बनने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनकर यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। इस बयान के बाद एनडीए को झटका जरूर पहुंच सकता है। इस दौरान वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी फिलहाल एनडीए में शामिल है, लेकिन आगे क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और मंत्री के बाद हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और ऐसा होता है तो यह निषाद समाज के लिए गर्व की बात होगी। बताते चले कि राज्य के एनडीए सरकार में वीआईपी के 4 विधायक भी शामिल। दिवाली पर हादसे से बची भोजपुरी एक्ट्रेस। पूरी दुनिया ने कल यानी कि गुरुवार को धूमधाम से दिवाली मनाई, लेकिन इसी बीच भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने एक हैरान करने वाला वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह दिवाली पर पटाखे जलाते वक्त बाल बाल बचती नजर आई है। रानी चटर्जी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह अपने घर के बाहर फुलझड़ी से अनार जलाती दिख रही है। तभी रानी का वो पटाखा यानी कि अनार फट जाता है और चारों तरफ वीडियो में आग ही आग फैला नजर आता है। वीडियो को शेयर करते हुए रानी चटर्जी ने कैप्शन में लिखा, कल ये हुआ, मैं और सौम्या तो बच गए, पर दोस्तों आप प्लीज सावधान रहें। आज शाम होगा भारत बनाम स्कॉटलैंड का मुकाबला। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2021 में 37वें मुकाबले में 5 नवंबर यानी कि आज भारतीय टीम का मुकाबला स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के साथ होने वाला है। बता दें कि विराट सेना के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2021 में बचे सभी मुकाबले काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। अगर वह अपने बचे हुए किसी भी मैच में शिकस्त खाती है तो वह सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। ऐसे में स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले अपने चौथे मुकाबले में भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले में भी बड़े अंतर से जीत हासिल करे, जिससे उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बनी रहे। आज का मुकाबला दुबई के स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। तो वहीं टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान में आधे घंटे पहले यानी कि शाम 7 बजे आएंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आज टी20 विश्व कप टूर्नामेंट के आज के मुकाबले में भारतीय टीम स्कॉटलैंड को बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल की ओर एक कदम आगे बढ़ सकती है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।